आप सबको रमजान मुबारक। मैं तो बेड से नहीं उठी हूँ, उठे तो साकिब हैं, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। देखते हैं हाउ डज इट वर्क। केक लेके आया हूँ, आ जाओ, गाइड करेगी हानिया। क्लोज कर लो आईज। चलो वो भी दो फिर जल्दी से। 3, 2, 1। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से हम सब ठीक ठाक हैं। गाइस, सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक, क्योंकि आज रात को होगी हमारी तरावी एंड सहरी, और कल होगा हमारा फर्स्ट रोज़ा इंशाल्लाह। कल हम करेंगे अपना पहला अफ्तार। तो जब तक हमारा ये व्लॉग पोस्ट होगा, तो उस वक्त तक शायद आप सबका भी फर्स्ट रोज़ा हो। तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इस रमज़ान को खैर खैरियत के साथ सबको रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए, और ये रहमतों का महीना है। जितनी ज़्यादा रहमतें हो सकती हैं आप लोग समेट लें और गरीबों की मदद करें, और इसमें जितना भी आप गरीबों को देंगे उससे अल्लाह ताला ज़्यादा खुश होगा, ताकि सबको रोज़ा रखने का और अच्छा खाना खाने का मौका मिले। एनीवेज गाइस, अभी बस जस्ट हम ब्रेकफास्ट करके फ्री हुए हैं और मैं पी रही हूँ चाय। इसके बाद का क्या प्लान है अभी कुछ नहीं पता, बस अभी उठे हैं, ब्रेकफास्ट किया है, देखते हैं क्या करना है। तो हम अपना आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग में हम सब सो रहे थे और अचानक से हुई डोर बेल, और एकदम से जब उठना पड़ा है तो हेडेक हो गया। खैर, मैं तो बेड से नहीं उठी हूँ, उठे तो साकिब हैं, लेकिन जब देखा तो वो डिलीवरी मैन था। हमने कल ऑर्डर किया था आर्गो से क्लॉथ एवियर, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि दिस टाइम जो मैंने ऑर्डर किया है वो हीटिंग वाला है। लाइक उसके ऊपर आप कपड़े हैंग करो और वो क्विक आपके जो है ना ड्राई हो जाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं उसको यूज़ करूँगी और मेरे कपड़े जल्दी जल्दी से जो है वो ड्राई हो जाएंगे। ये है, अब इसको मैं अनबॉक्स करूँगी, और मैंने मशीन में कपड़े भी डाल दिए हैं कि आज ही मैं इसका एक्सपेरिमेंट करूँगी, जबकि मेरे बहुत सारे कपड़े जो हैं वो ओल्ड वाले के ऊपर मैंने हैंग किए हुए हैं और अभी तक वो वेट हैं। बट मैंने कहा नहीं, मैं न्यू वाले वॉश करूँगी और फिर उसको आज मैं ट्राई करती हूँ कि वो जो मशीन से निकलते हैं ना कपड़े, वो कितनी देर लगाते हैं ड्राई होने में। सो गाइस, मैंने सजेस्ट किया था कि इलेक्ट्रिक वाला ऑर्डर करो, क्योंकि जो नॉर्मल है ना उसमें पूरा वीक ही कपड़े लटके रहते हैं और ड्राई नहीं होते, और वीक खत्म हो जाता है हमारे, दोबारा दूसरे कपड़े बन जाते हैं। तो वो मैं उन कपड़ों को देख देख के ना मैं फेड अप हो गया। तो चले जी, अब होने लगी है अनबॉक्सिंग और आज मैं इसको ट्राई करूंगी, तो देखते हैं हाउ डज इट वर्क। देखते हैं कि कहाँ से इसको ओपन करते हैं। इसको नाइस ही करना पड़ेगा, आराम से पहले देख लेते हैं ना वर्क करता है कि नहीं करता, क्या पता रिटर्न नहीं करना पड़ जाए। नहीं, होपफुली तो ठीक है। हाँ, वैसे तो ठीक ही होता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि अगर तो बॉक्स डैमेज हो ना तो रिटर्न तो वो कर लेते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कि नहीं, वो तो नहीं, वायर वगैरह का भी प्रॉब्लम हो सकता है ना, हो सकता है वो पीछे से अगर नहीं आया सही तो फिर होगा प्रॉब्लम। और ये मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग भी है, स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग है। आप प्लीज हुज़ैफ़ा को कहना कि इसको ना तोड़े प्लीज, फुटबॉल घर में प्ले करना जो है ना वो बंद होना चाहिए। वाओ, नाइस है, ये स्ट्रॉन्ग है और ये फोल्ड भी बड़े नाइसली हो जाते हैं कि आप इसको कहीं पे भी स्टोर कर सकते हो। आपके ये उसकी वो बेटा कवर होगा उसका। अच्छा, इसको असेंबल करने का एक तरीका है, आपको उठना पड़ेगा, स्पेस चाहिए ज्यादा। ऐसे ये ऊपर का पार्ट है, ज़फ़ा आप पीछे बेटा आपके सर पे लग जाएगा। ये देखो ये बटन है, सुनिया एक मिनट, हीटिंग का। चलो इसको सीधा करो। ये किसके लिए है बेटा? ये कवर है इसका। अच्छा, ये कि इसका ना ये स्पेस में मेरे ख्याल से कम ही लेगा। हाँ, स्पेस कम लेगा, लेकिन चॉइस है कि अगर आपके ज्यादा कपड़े हैं ऊपर तो आप इसको है। आप इसको ऐसे फैला सकते हो, यहाँ पे भी फैला सकते हो, ठीक है। तो लेकिन ये है कि हैवी कपड़े जो है वो यहाँ होने चाहिए, और जो चलो इसको ऑन करो ना जरा, एक मिनट यार मुझे जरा समझ नहीं, ठीक है बिल्कुल अब तो। हाँ बस यही है, अगर थोड़े कपड़े हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। चले जी, अब मैं इसके ऊपर ना कपड़े डाल के देखती हूँ कि किस तरह से कपड़े इसके ड्राई होते हैं।
कपड़े मैंने गाइस पूरे हैंग कर दिए हैं इसके ऊपर, और ये है इसका कवर, ये इसके ऊपर देना है ताकि जितनी भी इसकी हीट है ना वो इसके अंदर ही रहे। तो हम दे देते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा कवर, बहुत अच्छा है मैंने बनाया हुआ है, जबरदस्त कवर है। अब मैं इसको एन आवर के बाद देखूंगी कि कपड़े मेरे कहां तक पहुंचे। ज़ैफ़ा और हानिया काफी देर से कह रहे थे मुझे कि हमने शूज को कस्टमाइज करना है, तो मैं उसको इनको काफी टाइम से लिंग रॉन्ग कर रहा था, लेकिन आज छुट्टी थी तो मौका मिला इन्होंने, तो इसका फायदा उठाया इन्होंने। तो मैंने इनको ओल्ड शूज दिए, मैंने कहा ओल्ड शूज पे पहले कस्टमाइज करो ताकि मुझे पता चले आप कैसा करते हो, फिर मैं आपको न्यू शूज प्योर वाइट ला के दूंगा, फिर उस पर ट्राई करना। सो देखते हैं कि ज़ैफ़ा और हानिया दोनों में से कौन कलर अच्छा करता है, तो फिर मैं आपको आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ। आपके शूज के नहीं जी हो गए नहीं, लेकिन कलर आपने कौन कौन सा किया दिखाओ। मैंने किया है रेड और ब्लू, रेड ब्लू ओके। और हानिया मैंने किया ब्लैक ब्लू पिंक और पर्पल, और हानिया ने डिफरेंट किया, देखो डिफरेंट है। अच्छा जी, तो ये है अब हानिया का शूज जो हानिया ने पेंट किया खुद, और ये है ज़ैफ़ा का। लेकिन हानिया का भी अच्छा है, गर्ल्स के हिसाब से हानिया का कलर अच्छा है। हानिया ने चलाकी अपनी तरफ से, ये मार्कल जो बॉर्डर पे लगाया ना ये अच्छा नहीं किया, वो किया लेकिन उसका पता नहीं चल रहा ना, क्योंकि भाईजान के डार्क के कलर। और दूसरी बात उसने डिफरेंट कर दिए, आई डोंट नो। चलो खैर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है तो ठीक है, नॉट बैड। अब आप ट्राई, ये क्लीन भी हो सकता है, ये कलर करना था यार। अच्छा नहीं, ये क्लीन भी कर सकते हैं ये चाहे तो, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। भाईजान एक कलर किया है साइड पे, कितना नाइस लग रहा है। आपने जो ये वाले कलर किए ये बस अपना आर्ट करने की कोशिश की है। ज़ैफ़ा हानिया लिसन मैं मम्मा के लिए केक लेके आया हूँ, ओके। मैंने फ्रिज में रखा है, ओके, केक नहीं है पेस्ट्रीज है, ओके। मैंने फ्रिज में रखा है, वेट, फ्रिज में रखा है मैंने, मम्मा किचन में है। जैसे ही मम्मा फ्री होकर बेडरूम में आएंगी तो आपने दूसरे रूम से अपने बाकी के गिफ्ट, ठीक है, और केक मैं आपको प्लेट में डाल के दूंगा, वो आपने प्लेट में डाल के मम्मा को देना है, ओके, ठीक है। नहीं माँ, मैंने आपको दूंगा, आपने देना है, मदर डे है, ओके। सो मैं आपको केक प्लेट में डाल के दूंगा, आपने उसको प्लेट में डाल के मम्मा को देना है, और आपने जो बाकी के गिफ्ट हैं वो आपके रेडी हैं। ज़ैफ़ा जी रेडी हैं, हानिया आपका भी रेडी है, मेरे पास बहुत सारा है। चलो मम्मा को फ्री होने दो, मम्मा जैसी बेडरूम में आएंगी तो फिर आप लेके आना, ठीक है। मैंने स्पिनिश को वॉश कर दिया गाइस, अब मैं इसको काट के फ्रीज कर लूंगी। अब जब जब मुझे पकौड़े बनाने होंगे तो मैं थोड़ी थोड़ी स्पिनिश निकालूंगी और पकौड़ों में ऐड कर लूंगी। और ये मैंने बनाई है चने की दाल जो कि हम खाएंगे कल सहरी में पराठों के साथ, और सहरी में आपको पता है कि इस टाइप की ही चीज़ें अच्छी लगती हैं, लाइक चिकन का भुना हुआ मसाले वाला सालन बना लो, शामी कबाब हो गए, और ड्राई तरह की चीज़ें अच्छी लगती है। लेकिन साकिब मैंने तो फिर उसके बाद सोचा हुआ आलू गोश पकाने का, मैं सोचती हूँ गाढ़ा गाढ़ा वाला बना लूँ, मतलब तो मैंने पता क्या सोचा है, मैं सहरी में ना मोस्टली योगर्ट खाऊंगा पराठे के साथ। हाँ, उससे मैंने सुना है प्यास भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, और वो बल्कि सहरी में सालन का दिल भी नहीं करता। और ये कि दो खजूरें भी इंसान को खा लेनी चाहिए ताकि पूरा दिन फिर एनर्जी रहे, और एंड पे चाय पी लेंगे, और अल्लाह अल्लाह खैर। तो पहला रोजा है, तो पहला रोजा पहले दो तीन रोजे का फील होगा, फिर उसके बाद यूज्ड टू हो जाएंगे। फिर सहरी हमारी बंद होगी आई थिंक 4:43 पे, और अफ्तारी हमारी होगी 6:02 पे, 6:02 पे। और दिस टाइम हमारे रोजे शुक्र है कि छोटे इतने लंबे नहीं, क्योंकि विंटर में आ रहे हैं, वरना हमारे हमने 10-10 बजे तक भी अफ्तारी की हुई है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो रोजा है वो रास्ते में ओपन होगा, क्योंकि मुझे आते आते आफ्टर 6 हो जाते हैं। चलो ट्राई, तो मैं ऐसा करूंगा कि मैं अपने पास ना ड्राई फ्रूट्स और खजूरों का ना रख लूंगा, ठीक है, ताकि वापसी पे अगर रास्ते में खुल जाए तो मैं खोल सकूं उसको, ठीक है, रोजे को। जाओ मेरा बेटा भाईजान के साथ जाओ, और मामा को बुला के लेके आओ रूम से। इधर आओ, उधर आओ,
वो जाओ ना मामा को बुलाओ। टेबल में बैठो। टेबल में बैठो। बैठा भी बैठ। सरप्राइज है। जी क्लोज करना है। मिसेस स्टिकली। मदर डे? आपने तो मुझे मॉर्निंग से अभी तक मदर डे विश भी नहीं किया। मैं यही सोच रही थी आप लोगों ने मुझे मदर डे क्यों नहीं विश किया। मैंने बहुत देर से पापा को पूछा। सुबह से बच्चे मुझे कह रहे थे, मैंने स्टॉप किया हुआ था। मैंने कहा हम रात को एक ही दफा मैंने कहा शायद मैं अनलकी हूँ, मामा हूँ जिसके बच्चों को मदर डे भी नहीं याद। नहीं नहीं सुबह से मेरे पीछे पड़े हुए थे। याद था आप दोनों को? जी जी। पता कौन से डे में है? 10th क्या? 10th ऑफ मार्च। अच्छा दूसरों में उधर सेटअप किया मेरे लिए। चलो मैं आती हूँ। क्लोज कराए मेरी कहीं नजर नहीं आ रहा। जी जी दोनों खा सकती हूँ मैं। जी ओके चलो जी थैंक यू सो मच। और भी है बहुत ज्यादा गिफ्ट। चलो वो भी दो फिर जल्दी से जल्दी लेके आओ। हानिया ने छुपा के बैग में छुपा के रखे हुए। वर्स्ट टू गुड। ओह ये है हैप्पी सना। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे सना। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके और ये हैप्पी हेलो स्प्रिंग। ओह हेलो स्प्रिंग। दैट्स द नाइस वन। ये नाइस है। इसको मैं रूम में हैंग करूंगी। ठीक है और देखो हानिया ने कितना अच्छा बनाया। ये देखो हानिया ये स्कूल में बनाया था आपने। ये देखो ये कहाँ बनाया? ये देखो और देखो मैसेज नीचे गिर गया। इसके अंदर मैसेज भी है। हानिया ये आपने कहाँ बनाया था? घर में? स्कूल। स्कूल में बनाया उसने। आई लव यू। अच्छा मैसेज लिखा है आई लव यू। ओके ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इसने अपनी क्रिएशन की है। ये नोटबुक है जो मैं वर्क करती हूँ। तो हानिया ने कहा मम्मा जो है वो इसमें कुछ ना मंथ्स नोट। हाँ तो जब मैं स्कूल में काम करती हूँ ना तो उसमें फिर जरूरत पड़ती रहती है। जरूरत पड़ती रहती है अपने डेली की जरूरत रहती है। जी ये ज्यादा एक्साइटमेंट है। ये तो बिग लग रहा है कुछ। मुझे लग रहा कोई नोटबुक। ये भी कोई नोटबुक ही लग रही है मुझे। आनिया को पता चल गया ना कि मम्मा को इन चीजें की जरूरत पड़ती रहती है। लुक इनसाइड। ओके ओह नाइस। ये भी नाइस। ओह अच्छा। डेट एंड टू डू लिस्ट। लिस्ट है कि जो जो काम करने हैं आपने वो इसमें ऐड करो। वो इसमें आप नोट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। रूटीन अपनी। चलो और ये रखो इधर। ये रखो वो फिर क्या रखे? लुक इनसाइड। लुक इनसाइड। नाइस। ओके बाय। मेरे को सेलिंग वन प्रेजेंट है। लेकिन मुझे हमने ये फोटो दिया था। मेरे कुछ लगाया है। वाओ कुछ रो किया आपने। ओके मुझे बहुत प्यारा लगा। ये ज़ेफ़ा ने कल बनाया था और मुझे दिया था कि इसको छुपा लो। ये मुझे भी अच्छा लगा। नाइस है ना। ये तो ऐसे लग रहा है किसी आर्टिस्ट ने बनाया है। और ये आप ये गाइस टेप नहीं लगी हुई। ये प्रॉपर जो है वो व्हाइट बोर्ड ही है और ना ही कलर हुआ है। नेचुरल है ये व्हाइट। वेरी नाइस। नाइस कलर। नाइस। आई लव इट। आई ना ये YouTube बहुत प्यारे कलर है। सबसे पहले मैंने स्टार्ट में टेप लगाया है फिर मैंने गैप्स में कलर किया था ताकि नाइस आए। आप इसमें ना वो स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते थे। नहीं ये भी नाइस है। ये भी नाइस है। वेरी नाइस। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत सारे गिफ्ट्स मिले। आई फील वेरी लकी। सो अब हम क्या करेंगे इसको और जो हानिया का जो नीचे वाला है ना उसको कहीं है उसको अब किसी वॉल के साथ हैंग करेंगे। ऐसे नहीं ऐसे जी जी
तो उसको चले था गाइस, ये छोटी छोटी खुशियां होती हैं। आपकी भी अगर मदर्स हैं तो उनके साथ मदर डे, वुमेन्स डे, इस तरह की चीजों को सेलिब्रेट जरूर किया करें, अप्रिशिएट किया करें। फादर डे है तो फादर डे को सेलिब्रेट करें। और ये छोटी छोटी खुशियां होती हैं, इनको एक्सप्रेस करना चाहिए, इससे एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार होता है। सो एनीवेज गाइस, हम अपना आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और अभी 9 o'clock हो चुके हैं और सुबह हमने सहरी में फिर उठना है। तो हम अपना आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।